पार्स्ट में एक इम्पोर्टेंट का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस तनिष्ठा चैटर्जी को उनके अभिनय के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। लेकिन एक कॉमेडी शो में उनके सांवले रंग का इस भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया कि तनिष्ठा को शो बीच में छोड़ना पड़ा। तनिष्ठा पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पार्स्ट को प्रमोट करने के लिए कॉमेडी नाइट्स बचाओ में गई थी। इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आने वाले मेहमानों को रोस्ट किया जाता है, लेकिन तनिष्ठा के साथ जो हुआ उसे वो रंग भेद यानी रेसिज्म की कैटेगरी में रखती हैं। शो में तनिष्ठा के सांवले रंग का मजाक उड़ाया गया और उन्हें काली कलूटी कहा गया। उनसे पूछा गया कि क्या वो बचपन से जामुन खा रही हैं कि उनका रंग इतना डार्क हो गया। तनिष्ठा ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। तनिष्ठा चैटर्जी ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे कहा गया था कि ये शो रोस्ट पर है, शायद ऐसे शोज रोस्ट की परिभाषा भूल गए हैं या फिर उन्होंने अपनी नई कोई परिभाषा जोड़ दी है। रोस्ट का मतलब होता है आप किसी की जिंदगी का सेलिब्रेशन करें और उनके साथ हंसी मजाक करें, आप मजाक उड़ाएं, लेकिन आप किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ा सकते। पहले सेगमेंट के बाद तनिष्ठा को लगा कि जोक्स उनकी स्किन टोन से आगे बढ़कर उनकी परफॉर्मेंस फिल्मों और निजी जिंदगी पर आएंगे, लेकिन जब अगले सेगमेंट में भी काली कलूटी बैंगर लूटी जैसे कमेंट्स चलते रहे तो तनिष्ठा ने अपने स्टाफ से कहा कि वो शो छोड़ना चाहती हैं। तनिष्ठा ने शो के आयोजकों को बोल दिया कि वो अपना पार्ट ऑन एयर नहीं करवाना चाहती। हालांकि चैनल ने आपत्तिजनक भाग को एडिट करने की पेशकश की, लेकिन तनिष्ठा ने इसे स्वीकार नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि जब तनिष्ठा जाने को तैयार हो गई तो आयोजकों ने उनसे कहा, मैडम एग्जिट तो शूट कर लो, लेकिन तनिष्ठा ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और गुस्से से वहां से निकल गईं। वैसे आपको बता दें कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ में लीजा हेडन को भी रेसिस्ट टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। उस वक्त अक्षय कुमार ने बीच में पड़कर मामला संभाला था।